हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पारंपरिक चिले, जिसे हम डोसे भी बोल सकते हैं। उनको आम के रस के साथ में खाना गर्मी के मौसम में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो, हम उसके लिए क्या पहले करेंगे। सबसे पहले हम ये मैंने गैस पर तवा रख दिया है, उसको पहले मैं गैस जला रही हूँ ताकि वो गर्म हो सके। स्लो फ्लेम पर गैस रख दिया। अब उसके बाद में मैं ये पॉट ले रही हूँ, उसमें एक कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ। ये लिया, थोड़ा सा ज्वारी का आटा लिया, ये उसमें थोड़ा नमक स्वादानुसार डाल रही हूँ। स्वादानुसार नमक डालेंगे थोड़ा। अब उसको पानी डालेंगे उसमें और उसका अच्छे से घोल बनाएंगे, बैटर बनाएंगे। और अच्छे से उसको फेंटना चाहिए, थोड़ा और पानी डालेंगे ताकि वो अच्छे से उसके चीले बन सके। अंदर अगर निकल गया है तो इसको निकाल लेना चाहिए उससे, और उसमें अच्छे से उसको बैटर बनाएंगे हम उसका। ये देखिए, अच्छे से फेंट कर हम बैटर बनाएंगे। जितना अच्छा हमारा बैटर होगा, ये घोलूंगा, उतना अच्छे हमारे ये चीले या जो हम डोसे बोल सकते हैं उसे ये बनेंगे। और थोड़े अगर हम बनाने से आधा घंटा पहले अगर अब ये घोल मिला के रख दे, बैटर बना के रख दे, तो बहुत ही अच्छे से हमारे चीले आते हैं। इसलिए अगर हो सके तो आधे घंटे पहले इसे घोल बना के रखें। अब हम ये हमारा जो है तवा गर्म हो चुका है, तवा और बैटर भी हमारा बन चुका है। तो हम अब ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा बैटर हो चुका है। तो ये बैटर कैसा, कितना थिकनेस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसी रहनी चाहिए, ये इस तरीके से रहनी चाहिए। अब हमारा लगभग तवा गर्म हो चुका है। इसके लिए पारंपरिक जब हम बनाते हैं चीले, तो इसके लिए देखिए, ये जो ऑयल डालने के लिए है, प्याज कटा हुआ प्याज आधा काट लिया है प्याज, इससे मैं ये ऑयल ले रही हूँ और ऑयल इस पर लगा रही हूँ। देखूँ हमारा ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ये जो बैटर किया है हमने, घोल किया है आटे का, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। और इसको घुमाएंगे, जितना आपको छोटा बड़ा साइज करना है उस हिसाब से रखिए। इसे अगर आपको और ऑयल डालना है तो आप थोड़ा ऑयल इधर उधर से सब डाल सकते हैं थोड़ा। अब ये एक तरफ से पक चुका है हमारा, तो इसे हम ये देखिए
इसको पलटी मार दिया हमने, एक तरफ से पूरा पक चुका है ये। अब हम दूसरी तरफ से फ्लेम स्लो ही रखी है, से आप अगर चाहे तो थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं, या नहीं भी डाला तो भी अच्छे से निकल सकता है। ये अच्छे से हो जाना चाहिए। लगभग हमारा पिचीला हो चुका है। अगर आपको ब्राउन करना है तो ब्राउन भी कर सकते थोड़ा और आप, लेकिन स्लो फ्लेम पे ही बहुत अच्छे होते हैं ये। ये देखिए हमारा चीला तैयार हो चुका है। और एक बना के देखेंगे हम, इसे बहुत अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं ये चीले, और गर्मा गर्म ये आम के रस के साथ में गर्मी के दिनों में बहुत बढ़िया लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, आप मेहमानों को भी खिला सकते हैं। फिर से मैंने प्याज, अगर एक बनाकर हो गया फिर से प्याज का ऑयल लगाया प्याज से, और उसको फिर से थोड़ा लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा फ्लेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो उसको चिपक जाएंगे, निकलेंगे नहीं। डोसे की तरह है, आज हम डोसा बोल सकते हैं उसको, लेकिन परंपरा के अनुसार पारंपरिक इसमें उसको चीले बोलते थे। इसमें थोड़ा मामूली ऑयल डाल रही हूँ मैं, अगर आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया होगा फ्लेम तो उसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। थोड़ा ब्राउनिश रहा तो बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। ये हमारा चीला दूसरी तरफ से भी हो चुका है, मैंने ऑयल नहीं डाला इसमें, अभी वैसे ही हो गया है। देखिए ये चिपका भी नहीं है, बहुत अच्छा हो गया है। थोड़ा इसको ब्राउनिश होने देते हैं। खाने में भी मजा आएगा। ये हो गया, अभी मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। ये ब्राउनिश में हमारा चीला बन गया है, इसको ये देखिए, ये आम का रस और चीला गर्मा गर्म चीला और आम के रस के साथ में बहुत बढ़िया टेस्टी ये डिश है हमारी, बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू।